सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपसे होंडा सी बी आर 150R की फुल डिटेल रिव्यू की बात करने जा रहा हूँ। सो हाँ गाइस, बाइक की कंफर्म लॉन्च डेट आ चुकी है एंड होंडा के ऑफिशियल ने इसके लॉन्च डेट को 28 अगस्त रखा है। सो जो भी मेरे भाई बंधु इस बाइक का वेट कर रहे थे, सो आपका वेट खत्म होने वाला है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट बात करते हैं इंजन स्पेक्स की। तो बाइक में लगाया जाएगा 150cc का 4-स्ट्रोक 4-वाल्व लिक्विड कूल DOSC सेटअप PGM FIBSS कंप्लाइंट इंजन, जिसकी मैक्स पावर होगी 17.1 PS एंड मैक्स टॉर्क होगी 14.4 Nm एंड बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स एंड स्लिपर क्लच के साथ आएगी। सो बाइक के इंजन की बात कर ले तो बाइक का इंजन बहुत रिफाइंड है एंड बाइक की लो एंड, मिड एंड एंड टॉप एंड सब टॉप नॉच है एंड नेग्लिजिबल वाइब्रेशन मिलेंगे अक्रॉस द रेव रेंज एंड लिक्विड कूलिंग होने से बाइक जल्दी कूल हो जाएगी एंड राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी बना देगी। एंड सेगमेंट में देखें तो R15 से कम्पीट करेगी एंड बेटर हैंडलिंग, स्मूदर इंजन इस बाइक को एच देगी R15 के रिस्पेक्ट में। सो सेकंड बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो बाइक में लगाया जाएगा 280mm का फ्रंट पेटल डिस्क एंड रियर में 220mm का रियर पेटल डिस्क विद डुअल चैनल ABS, जो बाइक को मोर सेफर एंड बेटर बनाता है एंड वाइडर टायर एंड लेस वेट होने से बाइक की ब्रेकिंग और भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। थर्ड बात करते हैं कम्फर्ट की। तो बाइक में सेगमेंट बेस्ट राइड क्वालिटी मिलेगी इसके पेरीमीटर फ्रेम से, जो हाई स्पीड में बाइक को बेटर राइड क्वालिटी देगी। एंड सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आता है 41mm का बीफी USD फोक गोल्डन कलर के साथ शोवा कंपनी की तरफ से एंड रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक आती है शोवा कंपनी की तरफ से, जिनकी सेटिंग मीडियम सेटअप पर की हुई है एंड बाइक को बेटर हैंडलिंग टॉप एंड में एंड बेटर राइड क्वालिटी इसके लो एंड मिड एंड में देती है अपने डैम्पिंग को एडजस्ट करके। एंड सीट की बात कर ले तो बाइक में स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, जो राइडर के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बट पिलियन सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी स्मॉल एंड रेज्ड होने के कारण। एंड राइडिंग अर्गोनॉमिक्स की बात कर ले तो बाइक में एग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर मिलती है इसके क्लिप ऑन हैंडल बार के कारण, बट ये पॉस्चर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है जस्ट लाइक R15। एंड फुटपैक्स भी रियर सेट हैं जो इसे स्पोर्टी ट्राइंगल देता है। फोर्थ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। सो बाइक में लगाया गया है फुल्ली LED डुअल हेडलैम्प, जिसकी हेडलाइट इल्यूमिनेशन बहुत शानदार है एंड बाइक में 2-पीस DRLs मिलते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिए गए हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड स्ट्राइकिंग लगते हैं। एंड रियर में टेल लैम्प मिलती है जो अगेन बहुत खूबसूरत लगती है एंड LED इंडिकेटर मिलते हैं जस्ट लाइक हॉर्नेट 2.0। सो सेगमेंट में देखें तो R15 के रिस्पेक्ट में CBR की लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ऑल LED पैकेज के कारण बाइक और भी मॉडर्न एंड स्टाइलिश लगती है। फिर बात करते हैं व्हील्स एंड टायर्स की। सो बाइक में लगाया गया 110x70 सेक्शन का 17 इंचेस रेडियल ट्यूबलेस टायर एंड रियर में 140x70 सेक्शन का 17 इंचेस रेडियल ट्यूबलेस टायर। सो हॉर्नेट 2.0 की तरह इसमें भी सेगमेंट बेस्ट टायर देखने को मिलते हैं एंड रेडियल टायर के होने से बेटर रोड ग्रिप मिलती है एंड वेट सर्फेस पर भी बाइक बहुत अच्छी ग्रिप बना लेती है। सिक्स बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। सो बाइक में लगाया गया है फुली डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें बेसिक फीचर्स जैसे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सर्विस ड्यू रिमाइंडर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव फीचर बाइक को बेस्ट इन सेगमेंट बनाते हैं। एंड गाइस, ये कंसोल हॉर्नेट 2.0 का इन्वर्टेड डिस्प्ले के साथ आता है, जस्ट लाइक R15 का इन्वर्टेड डिस्प्ले MT15 में मिलता है। सेवेंथ एंड लास्ट बात करते हैं प्राइस, कलर्स एंड ओवरऑल फीचर्स की। सो बाइक सिंगल वेरिएंट में आती है, जिसकी प्राइसिंग 1.80 लाख एक्स शोरूम के साथ आती है, जो ऑन रोड आते आते 2 लाख हो जाती है। एंड कलर्स की बात करें तो बाइक 5 कलर्स में आती है, स्पोर्ट्स रेड, ब्लैक एंड रेड, मैट ग्रे, रेड एंड सिल्वर, ब्लैक एंड ऑरेंज। सो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो बाइक में एक की स्लॉट इसके हैंडल बार पर मिलेंगे विथ लॉक फंक्शन लाइक एक्टिवा 125, साइड स्लंग एग्जॉस्ट बहुत ही बेसिक एग्जॉस्ट नोट भी देता है, स्लिपर क्लच, 12 लीटर की मस्कुलर फ्यूल टैंक, ACG स्टार्टर मोटर, वाइब्रे का डिस्क कैलिपर, शार्प एंड स्पोर्टी लुक, टॉप नॉच स्विच क्वालिटी, क्लिप ऑन हैंडल बार, वेट इस बाइक की 144 kg की मिल जाएगी एंड टॉप स्पीड इस बाइक की 150 km/h की मिल जाएगी एंड माइलेज इस बाइक से 40-45 की ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो शुड आई बाय दिस बाइक और नॉट? सो इन माई अकॉर्ड, अगर आपको होंडा के रिलायबल इंजन के साथ साथ स्पोर्टी लुकिंग वाली बाइक चाहिए विद टॉप नॉच फीचर्स, सो आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं एंड R15 की बेस्ट राइवल रह चुकी है गाइस, सो इस बाइक पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। एंड लुक वाइज मुझे R15 से ज़्यादा प्रीमियम एंड स्पोर्टी लगती है विद कम्फर्टेबल स्टांस। एंड हाँ गाइस,
प्राइसिंग थोड़ी कॉस्टलियर साइड पर दी गई है, बट कंपोनेंट्स लाइक यूएसडी फोक, डीओएससी इंजन, फुल एलईडी पैकेज, रेडियल टायर्स, सुपर स्पोर्टी फेयरिंग डिज़ाइन इस बाइक के प्राइस को जस्टिफाई करती है। एंड R15 से कंपेयर करें तो बाइक में बेटर टायर, बेटर कंसोल, बेटर एलईडी पैकेज, मोर रिफाइंड इंजन एंड कंफर्टेबल बाइक मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।